हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एक्वाटिक समाचार एंड मोर पर। मैं अपने चैनल पे रेगुलर बेसिस पे एक्वेरियम से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ, तो अगर आप एक्वेरियम के बारे में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना वीडियो का एनालिसिस करके देख रहा था, जो भी मेरे वीडियो पे थोड़ा बहुत व्यू आता है तो उसमें ज़्यादातर जो व्यूवर्स हैं वो बिना सब्सक्राइब किए ही मेरे चैनल को चले जाते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, जो नया व्यूवर्स हैं, वीडियो देखते टाइम बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइबर थोड़ा बढ़ जाएंगे और मुझे थोड़ा वीडियो बनाने के लिए जो है थोड़ा सा उत्साह मिलेगा। तो आज का हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो एक्वेरियम फिल्टर के बारे में है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा एक्वेरियम फिल्टर जो है किस एक्वेरियम के लिए बेस्ट है। एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो एक्वेरियम फिल्टर्स के बारे में आपको बताऊंगा ये मेरे एक्वेरियम में लगा हुआ है और मैं आपके साथ अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस है उसको भी शेयर करूंगा। यहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड के जो है फिल्टर्स रखा हुआ है। ये मेरा पसंद का है, मैंने इसको खरीदा है। अगर आपको कुछ और पसंद है आप कुछ और खरीद सकते हैं, ब्रांड का कोई इशू नहीं है। कोई भी ब्रांड का जो है कोई भी फिल्टर आप खरीद सकते हैं। एक्वेरियम का जो फिल्टर होता है वो एक्चुअली में ह्यूमन बॉडी में हार्ट और किडनी दोनों मिला के जो काम करते हैं, सेम काम जो है एक्वेरियम फिल्टर में एक फिल्टर करता है, क्योंकि वाटर को पंप करना और वाटर को क्लीन करने का काम जो है फिल्टर के द्वारा ही होता है। मतलब एक्वेरियम को अगर अच्छा रखना है तो आपका फिल्ट्रेशन जो है सही होना चाहिए, और फिल्ट्रेशन सही होने के लिए आपके पास एक सही फिल्टर भी होना चाहिए। एक्वेरियम फिल्टर के बारे में जानने से पहले एक बात जान लेते हैं कि एक्वेरियम का फिल्ट्रेशन जो है वो कितने तरह से होते हैं। तो एक्वेरियम का जो फिल्ट्रेशन होते हैं वो तीन तरह से होता है, बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन, केमिकल फिल्ट्रेशन और मैकेनिकल फिल्ट्रेशन। बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जो आपके फिल्टर मीडिया होते हैं उसमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो है अपना कॉलोनी बनाता है। वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो आपके टैंक में जो अमोनिया बनता है फिश वेस्ट से बने या फिर आपके एक्स्ट्रा जो फूड है उससे बने, अमोनिया को जो है तोड़ के जो है लोग पहले नाइट्राइट में और बाद में उस नाइट्राइट को तोड़ के नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। जो अमोनिया होता है वो बहुत ज्यादा ही हार्मफुल होता है, पॉइजनस होता है आपके एक्वेरियम के लिए, लेकिन उसको तोड़ने के बाद जो लास्ट लेवल पे जो नाइट्रेट आता है वो थोड़ा सा कम पॉइजनस होता है फिशेस के लिए, और रेगुलर वाटर चेंज के द्वारा जो है इसके लेवल को अगर आप मेंटेन कर सके तो आपको कोई प्रॉब्लम होता नहीं है एक्वेरियम में। इसके वजह से बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन में फिल्टर मीडिया के रूप में जो है आप सेरेमिक रिंग्स, क्ले बॉल्स, बायो बॉल्स ये सब यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका केमिकल फिल्ट्रेशन। केमिकल फिल्ट्रेशन में क्या होता है, एक्वेरियम के पानी में जो क्लोरीन होता है या अमोनिया होता है या फॉस्फेट होता है इसको जो है इस फिल्ट्रेशन के द्वारा जो है दूर किया जाता है। केमिकल फिल्ट्रेशन में फिल्टर मीडिया के रूप में मोस्टली जो हम लोग यूज करते हैं वो है एक्टिवेटेड कार्बन। उसके अलावा तो मैंने आज तक कुछ यूज किया नहीं है वैसे, बस वही एक फिल्टर मीडिया एक्टिवेटेड कार्बन वही एक यूज होता आ रहा है। नेक्स्ट जो फिल्ट्रेशन है वो मैकेनिकल फिल्ट्रेशन। तो मैकेनिकल फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जो वाटर में आपके एक्वेरियम के वाटर में जो आपका हार्ड पार्टिकल्स होते हैं उनको बस इसमें अलग किया जाता है। मतलब वो आपके एक्वेरियम वाटर से जो हार्ड पार्टिकल्स जो है वो अलग हो जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पीपल क्या होता है वो सोचते हैं कि जो मैकेनिकल फिल्ट्रेशन है वही एक्चुअल फिल्ट्रेशन है एक्वेरियम के लिए, पर ऐसा नहीं है। मैकेनिकल फिल्ट्रेशन के द्वारा जो आपके पानी में जो आपका एमोनिया है या आपके पानी में अगर क्लोरीन है, अगर आपके पानी में फॉस्फेट है तो ये जो है अलग नहीं होता है, ये आपके पानी में रह जाता है। तो इन्हें जो है आपके पानी से अलग करने के लिए आपको आपके टैंक में बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन और केमिकल फिल्ट्रेशन दोनों का जो है अच्छा जो है एकदम अच्छा सा सोर्स रखना पड़ेगा। सही टैंक बनाने के लिए, उस टैंक में सही फिल्ट्रेशन बनाने के लिए आपके फिल्ट्रेशन सिस्टम को ऐसा होना चाहिए कि वो जो है मैकेनिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल तीनों फिल्ट्रेशन जो है सही से कर पाए। अब हम लोग बात करते हैं एक्वेरियम फिल्टर के बारे में। तो ये जितने भी सारे भी फिल्टर्स के बारे में मैं बात करूंगा ये एकदम बेसिक लेवल के हैं, मतलब ये जो है हर कोई अपने एक्वेरियम में इनका यूज करता है। और ये फिल्टर जो बहुत सारा ये एक्वेरियम फिल्टर जितना आपको मिलेगा ये बहुत ही मतलब कॉस्ट एफिशियंट है, मतलब ज्यादा महंगा है नहीं, बहुत कम प्राइस में जो आपको मार्केट में अवेलेबल होगा। तो टोटल इस वीडियो की सीरीज में जो है मैं चार फिल्टर के बारे में बताऊंगा, पॉन्च फिल्टर, टॉप फिल्टर, इंटरनल फिल्टर, हैंग ऑन बैक फिल्टर के बारे में। ये सारे फिल्टर जो है मैं अपने एक्वेरियम में यूज करता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे पॉन्च फिल्टर और टॉप फिल्टर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट टू में जो है हम लोग इन बाकी दो फिल्टर्स के बारे में, मतलब आपका हैंग ऑन बैक फिल्टर और इंटरनल फिल्टर के बारे में बात करेंगे। तो पहला है स्पॉन्ज फिल्टर। तो स्पॉन्ज फिल्टर में क्या होता है, ये एक स्पॉन्ज फिल्टर होता है, ये आप देख सकते हैं ये इस तरह ये दो के सेट में आता है, ये इस तरह इसके मुंह पे जो है ये फिट हो जाता है, ठीक है, इस तरह से इसके मुंह पे फिट हो जाता है। नेक्स्ट जो है इसके साथ हम लोग को और क्या लेना है, हम लोग को और लेना है इसके साथ एक एयर पंप, ये वाला
ईयर पंप जो है मैं यूज़ करता हूँ, ये साइलेंट ईयर पंप है, इसमें ज़्यादा ज़्यादा जो है नॉइस आता है नहीं है। नेक्स्ट जो है आपको स्पॉन्ज फिल्टर और ईयर पंप को कनेक्ट करने के लिए एक इस तरह का एक पाइप चाहिए, ठीक है, इस तरह का एक पाइप चाहिए। और आप जो है इस तरह का एक रेगुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आप एयर प्रेशर को जो है चेंज कर सकते हैं, कम और ज़्यादा कर सकते हैं। एक रेगुलेटर होता है जो कि आप इसको एयर पंप को इसके द्वारा जो है बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, जिससे कि आपके एक्वेरियम में कितना बुलबुले आएंगे ये जो है आप इसको इससे जो है इसको रेगुलेट कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको सेटिंग करने के लिए, क्या करना है सिंपली जो है, जैसे ये है इसके अंदर से जो है इस पाइप को जो है ऐसे निकाल देना है। उसके बाद जो है आपका जो फिल्टर का जो मतलब ये जो दिख रहा है आपको टिप, इसमें जो इसको डाल देना है, घुस गया। और नेक्स्ट में जो है ये वाला इसको जो है ऐसे जो ये आपका सेट हो गया। नेक्स्ट में क्या करना है, ये दूसरा जो छोर है आपको दिख रहा है, ये पाइप का दूसरा छोर है, आप रेगुलेटर का यूज जो है यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे एक रेगुलेटर का एक छोर इसके पाइप में ऐसे डाल दीजिए और दूसरे छोर से जो है एक पाइप और जो है ले लीजिए, अंदर जो है इसको डाल दीजिए। और आप क्या करना है, ये जो आपका रेगुलेटर हो गया, जो साइज ये वाला साइड जो ओपन है, आप क्या करना है आपका जो एयर पंप है, ये जो आपका एयर पंप है, तो एयर पंप के देखिए पास यहाँ पे एक आपको नोजल देखने के लिए मिलेगा इस जगह पे, ठीक है। तो आपको जो है इस नोजल में ही जो है इस पाइप को जो है यहाँ पे सेट कर देना है, ये सेट कर देना है, ठीक है, ये सेट हो गया। स्पॉन्ज फिल्टर है वो यूज करने के लिए रेडी है, ये आपका पूरा सेट हो गया। अब इसको आप जो है एक्वेरियम में डाल के जो है यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मेरा टैंक का ही दूसरा एक टैंक का जो है इसमें स्पॉन्ज फिल्टर लगा हुआ है, और देखिए ये ऐसे जो है इसमें से जो है बुलबुले जो है रिलीज़ होते हैं, ये ऐसे रिलीज़ होते हैं, यहाँ से अंदर से ये रिलीज़ होता है। स्पॉन्ज फिल्टर जो है मेनली आपका बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन करता है, इसमें ज़्यादा मैकेनिकल फिल्ट्रेशन होता नहीं है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो है वो अच्छा से कॉलोनाइज हो जाता है, तो बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन आपको इसमें अच्छा मिलेगा, बट मैकेनिकल फिल्ट्रेशन ज्यादा अच्छा आपको मिलेगा नहीं इसमें। अब जो है छोटे टाइप के जो फिशेज होते हैं या फिर जो फिशेज जो है बहुत कम वेस्ट प्रोड्यूस करें, उस टाइप के लिए उस टाइप के फिश टैंक में या फिर ब्रीडिंग टैंक में जो है आप स्पॉन्ज फिल्टर का यूज कर सकते हैं। मेंटेनेंस जो है इसका इजी है, आपको ज्यादा कुछ करना है होता नहीं है, बस फिल्टर को आप निकालिए और उसका जो स्पॉन्ज है उसको बाहर निकालिए और स्पॉन्ज को आप धो लीजिए, क्लीन कर लीजिए, आपका फिल्टर जो है फिर से रेडी टू यूज हो जाता है। नेक्स्ट है कॉस्ट, तो कॉस्ट जो है इसका जो कॉस्ट आता है एक स्पॉन्ज का, ये जो स्पॉन्ज फिल्टर है इसका कॉस्ट लगभग 70-80 रुपए से लेकर आपका जो है 150-200 रुपए तक जा सकता है साइज के हिसाब से। और इसके साथ जो है आपको एयर पंप और पाइप चाहिए जो लगभग आपका 200 से 250 के बीच में, अगर आप नॉर्मल वाला लें, अगर आप साइलेंट वाला लेना चाहें तो वो उसका थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है, मतलब 400 रुपए तक में वो आपको मिल जाएगा। तो मिला जुला के मतलब 500 से 600 रुपए के बीच में जो है ये टोटल सेटअप आपका जो है कंप्लीट हो ही जाता है। कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे ये पहला तो ये है कि इसमें मैकेनिकल फिल्ट्रेशन काफ़ी अच्छा होता नहीं है, दूसरा ये है कि बड़ा टैंक में जो है ये कुछ खास काम कर नहीं पाता, अगर टैंक आपका बहुत बड़ा है 4 फीट 5 फीट का टैंक है तो ये कुछ ज़्यादा काम उसमें कर नहीं पाता है। एक और चीज है कि ये जो है टैंक में विजिबल होता है, आप टैंक के किसी भी जगह पे रखिए ये दिखता है। इसका जो एयर पंप होता है, इसके साथ जो एयर पंप आपका लगता है उससे थोड़ा नॉइज भी प्रोड्यूस होता है, तो आपको ध्यान रखना है अगर आप एयर पंप ले रहे हैं तो आपको इसके लिए थोड़ा सा अलर्ट रहना हो, मतलब इस चीज के लिए तैयार रहना होगा कि आपके एयर पंप से जो थोड़ा सा साउंड आएगा। अभी जो है बहुत सारा एयर पंप आ गया है जो साइलेंट भी होता है, लेकिन उसका कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब अगर आपका नॉर्मल एयर पंप अगर आपको 150-200 में मिल रहा है तो उसका प्राइस जो लगभग है 400 से 500 के बीच। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टॉप फिल्टर के बारे में। टॉप फिल्टर में क्या होता है, टॉप फिल्टर में इस तरह का जो है एक पावर हेड रहता है, आप देख सकते हैं इस तरह का एक पावर हेड है, ठीक है। इसमें जो है एक्वेरियम से जो है पानी इसके थ्रू जो है अंदर जाता है, ये इसमें जो है आपका वो छोटा मछली इसमें घुस ना जाए इसलिए जो है ये छकनी टाइप का लगा होता है, ठीक है। अच्छा, और इसमें एक जो है एक पाइप होता है, ये देख लीजिए ऐसा एक पाइप होता है इसमें, ठीक है, इसमें एक ऐसा पाइप होता है और इसके साथ जो है इस टाइप का एक इसमें एक इस टाइप का बॉक्स आता है, ठीक है। इसी में जो है आपका इसके अंदर जो है आपका जो है फिल्टर मीडिया जो भी आपको डालना है इसके अंदर ही वो रहता है, फिल्टर में बायो बॉल्स डालना है, सेरेमिक रिंग्स डालना है या फिर क्ले बॉल या फिर स्पॉन्ज जो भी आपको यूज़ करना है इसके अंदर इसको आपको यूज़ करना है। इसको
असेंबल करने का तरीका जो है बहुत ही आसान है, कुछ इसमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं। सिंपली जो है आप ये जो आपका पावर हेड है, ठीक है, पावर हेड के मुंह पे जो है आप जो है सिंपली जो है आपका जो पाइप है उसको ऐसे पुश कर दीजिए, ठीक। अच्छा, और नेक्स्ट में जो है आपका जो ये बॉक्स है, बॉक्स के यहाँ पे देखिए एक लगा हुआ है, तो मैंने इसको जो है अपने बॉक्स के साथ फिक्स कर दिया है, क्योंकि इसमें से जो थोड़ा वाटर लीकेज का प्रॉब्लम था तो मैंने इसको फिक्स कर दिया, नहीं तो ये रिमूवल भी होता है, निकल जाता है, तो इसको फिक्स कर दीजिए। और यहाँ पे जो है ऐसे करके आपका जो पाइप का जो मुँह है इसको ऐसे डाल दीजिए, सिंपली ये सेट हो गया, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये जो आपका पावर हेड है, ठीक, इसको पावर हेड को जो आप अपने एक्वेरियम के दीवार पे जो चिपका दें, बस हो गया, और जो है प्लग इन कर दे और इसमें बॉक्स के अंदर जो है अपना फिल्टर मीडिया जो भी है उसको डाल दे। और उसके बाद ये काम कैसे करता है मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे एक्वेरियम में लगा हुआ है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये जो है अंदर की तरफ पावर हेड लगा हुआ है यहाँ पे, और इसके थ्रू जो है पानी जो है ऊपर आ रहा है, इस पाइप के थ्रू पानी ऊपर आ रहा है, और ये पानी जाके जो है वो ये पानी फिर इस बॉक्स के अंदर आके गिर रहा है, टॉप फिल्टर के बॉक्स के अंदर जो यहाँ पे सेरेमिक रिंग जो हो गया, इसके बाद ये बायोमीडियाज है, और इधर थोड़ा सा आपका बायो बॉल्स है, और एक पॉन्च भी है यहाँ पे इसके। तो यहाँ से मेरा जो है बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन और मैकेनिकल फिल्ट्रेशन काफ़ी अच्छा से हो रहा है, इस जगह से जो है काफ़ी अच्छा से हो रहा है। टॉप फिल्टर में जो है आपका केमिकल, बायोलॉजिकल और मैकेनिकल, आप टॉप फिल्टर के द्वारा तीनों तरह का फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। टॉप फिल्टर के ऊपर में एक स्टोरेज बॉक्स होता है, टॉप फिल्टर का जो ऊपर का जो बॉक्स होता है उसमें आप फिल्टर पैड यूज करके मैकेनिकल फिल्ट्रेशन, उसके बाद सेरेमिक रिंग्स हो गया, क्ले बॉल्स हो गया या बायो बॉल्स हो गया, इसको यूज करके आप उसमें बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन, और आपका जो एक्टिवेटेड कार्बन है उसको यूज करके जो है आप केमिकल फिल्ट्रेशन, तीनों तरह का जो फिल्ट्रेशन टॉप फिल्टर से जो है ले सकते हैं, तीनों तरह का फिल्ट्रेशन। तो ये काफी अच्छा होता है, बड़े साइज के टैंक के लिए आप इसको यूज करें, 3 फीट 4 फीट 5 फीट टैंक के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। मेरा भी ये 4.5 फीट का ये टैंक है, सिगलिट टैंक है, तो इस पे भी जो है मैंने टॉप फिल्टर लगा के रखा है और ये काफी अच्छा काम कर। फिशेस जो है किस टाइप के फिशेस के लिए अगर बोले तो जो फिशेस ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करता है और साइज में थोड़ा बड़ा होना चाहिए, उस तरह के फिशेस के लिए जो है आप इसको यूज करें तो ये जो है बेस्ट रहता है आपके एक्वेरियम के लिए। इसको मेंटेन करना जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब आपको जब इसको साफ करना होगा तो आपको सारे फिल्टर मीडिया जो है वो निकालना ही होंगे और फिर इसको क्लीन करके फिर इसमें डालना होगा, तो ये चीज थोड़ा सा फिल्टर मीडिया को साफ करना थोड़ा सा टाइम लगता है, बट कुछ ज्यादा हार्ड है नहीं, तो मैं इसको इजी टू मेंटेन भी नहीं कहूंगा और बहुत प्रॉब्लम वाला भी है ऐसा भी नहीं बोलूंगा, ये मीडियम में मान सकते हैं, मतलब 50-50 कर सकते हैं इसको, फिर भी ठीक है, जितना ये काम करता है उस हिसाब से तो इतना तो मेहनत चलता है। प्राइस के बारे में बताएं तो साइज के हिसाब से जो है अलग अलग प्राइस में आता है। मेरा जो है ये वाला टॉप फिल्टर जो आप देख रहे हैं ये लगभग 650 रुपए का आया था, तो इस हिसाब से जो है अलग अलग, थोड़ा छोटा साइज का है तो वो 350-400 तक, थोड़ा और बड़ा होगा तो 800-900 तक में जो है आपको मिल जाएंगे। मेनली जो दो प्रॉब्लम इसमें है, छोटा टैंक में आप इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसका जो पावर हेड जो होता है जो एक्वेरियम के अंदर लगा हुआ होता है वो काफी तेजी से जो है पानी को सक करता है, तो ऐसे में अगर आपके एक्वेरियम में छोटा फिश रहेगा तो वो जो है उस हो सकता है कि फिल्टर के अंदर चले जाए और पावर हेड के अंदर चला जाए। और एक प्रॉब्लम और है, इसका जो सेटअप है, टोटल जो सेटअप एक्वेरियम के अंदर है आप देख चुके हैं, जो सेटअप है ये थोड़ा विजिबल होता है एक्वेरियम में, मतलब आपको इसका पाइप, इसका पावर हेड जो है थोड़ा सा आपको दिखेगा, या फिर एक्वेरियम के ऊपर जो आपका इसका जो बॉक्स है वो भी आपको दिखेगा, तो ये देखने मतलब ये विजिबल होते हैं। ये दोनों अगर इस दोनों प्रॉब्लम को अगर आप कंसीडर कर सकते हैं तो ये फिल्टर जो है आपके एक्वेरियम के लिए बेस्ट है, बजट के हिसाब से भी और हर तरीके के फिल्ट्रेशन के हिसाब से। तो आज हम लोग बात किए एक्वेरियम फिल्टर्स के बारे में, दो फिल्टर के बारे में मैंने आज आपको बताया, नेक्स्ट वीडियो में जो है और दो फिल्टर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छा लग रहा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।